बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हूँ माइक्रोवेव में ब्रेड। ब्रेड के लिए हमें 2.5 कप मैदा चाहिए। बस 2 टीस्पून शुगर चाहिए। हमें 1 टीस्पून सॉल्ट भी चाहिए। हमें फ्रेंड्स ड्राई यीस्ट चाहिए 1.5 टीस्पून। फ्रेंड्स, हमें वार्म मिल्क चाहिए हाफ कप। हाफ कप से हमारा थोड़ा ज़्यादा है, मैं डाल रही हूँ इसे। फ्रेंड्स, अच्छी तरह हमें मिक्स कर देना है। हमारा मिक्स हो चुका है। हमें इसे आटा की तरह गूंथना है और जितना भी हमें इसमें वाटर लगे वो वार्म वाटर चाहिए इसे स्टिकी फॉर्म में लाने के लिए। फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छी तरह से मसलना है। हमारा डो जितना अच्छा बनेगा फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा हमारा ब्रेड बनेगा। फ्रेंड्स, इसे हमें कम से कम 7 से 8 मिनट तक ऐसा ही मसलना है। थोड़ा सा सूखा फ्लोर लेकर हमें इसे अभी गूंथना है। जरूरत पड़े तो सूखा आटा लेकर इसे गूंथिए अच्छी तरह, जैसे ये डो फॉर्म में आ जाए। फ्रेंड्स, मेल्टेड बटर नहीं तो ऑयल 2 टीस्पून ऐड करना है। फ्रेंड्स, हमारा डो जितना अच्छा बनेगा, जितना मसाला हुआ रहेगा, उतना ही अच्छा हमारा ब्रेड बनेगा। इसे फ्रेंड ऐसे राउंड शेप देकर हमें किसी पॉट में रख देना है। ये हमें 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है, जब तक हमारा ये डो का साइज डबल ना हो जाए। हमारा डो डबल हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए 2 घंटा हो चुका है। अभी से मैं खोल ले रही हूँ। अब इसका हमें हैंड में सूखा मैदा लगाकर हमें इसके एयर निकाल देना है।
इसे हमें हाथ हैंड से पूरा फैला लेना है। इसे अब हमें इसे इस तरह रोल कर देना है। इसका दोनों किनारा हमें अच्छी तरह बंद कर देना है। इसे फ्रेंड्स ऑयल बड़ा स्टीम में हमें ऐड कर देना है। मैं 45 मिनट के लिए इस तरह ही ढक के रख देना है। इसके बाद हमें ओवन में डालना है। फ्रेंड्स हम माइक्रोवेव को प्री हीट कर ले रही हूँ 4 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड में जाकर 180 डिग्री 4 मिनट के लिए प्री हीट कर रही हूँ। फ्रेंड्स हमारा ये 45 मिनट्स हो चुका है। देखिए हमारा बैटर भी डबल हो चुका है। अभी से मैं खोलकर फ्रेंड्स इसमें हम एक ब्रश कर रही हूँ, आप चाहे तो मिल्क ब्रश भी कर सकते हैं। हमारा प्री हीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इस ब्रेड को ओवन में डाल दूँ। फ्रेंड्स हमें ब्रेड बनाने के लिए कन्वेक्शन मोड में जाकर 180 डिग्री में 35 मिनट के लिए बेक करना है। आप कभी भी किसी टाइम भी अपना कुछ भी क्या भी बनाते रहेंगे तो आप खोल कर देख सकते हैं स्टॉप बटन प्रेस करके। जब हमारा 10 मिनट बाकी रहे फ्रेंड्स इसे किसी भी चीज से आप ढक दीजिए। आपका पास एल्युमिनियम फॉइल रहे तो एल्युमिनियम फॉइल से भी कवर से भी ढक सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा ब्रेड बन चुका है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। यह बहुत गर्म है फ्रेंड्स, इसमें हम ऑयल ब्रश कर दे रहे हैं। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल से अच्छा बटर से ही होता है। इसे हमें गीला कपड़ा से ढक के रख देना है, कोई भी कॉटन क्लॉथ से 15 मिनट्स के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद हम इसे निकालेंगे।
50 मिल्स फ्रेंड्स हमारा हो चुका है। अभी इसे मैं खोल ले रही हूँ, इसमें से निकाल ले रही हूँ। हमारा ब्रेड बना है देखिए स्पॉन्जी। फ्रेंड्स देखिए हमारा ब्रेड कितना स्पॉन्जी बना है, इसे आप कट कर लें। हमारा ब्रेड कटर छुरी नहीं है, नाइफ, इसीलिए मैं नॉर्मल छुरी से ही कट कर रही हूँ, नाइफ से। देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्रेड कितना अच्छा बना है स्पॉन्जी। देखिए ये तोड़ कर भी मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स जरूर आया जाएगा किचन को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।